नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दीपिका पादुकोण के साथ पूछताछ खत्म हो चुकी है, आज की क्वेश्चनिंग खत्म हो गई है और दीपिका एनसीबी गेस्ट हाउस से बाहर निकल गई हैं। करीब 5.5 घंटे तक उनसे सवाल जवाब चले। दीपिका का करिश्मा प्रकाश जो उनके मैनेजर है उनके साथ आमना सामना हुआ। आज दीपिका ने ग्रुप चैट की बात तो कबूल की लेकिन ड्रग्स लेने के मामले पर दीपिका ने कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा। यानी कि वो ड्रग चैट जो इंडिया टीवी ने लगातार आपको दिखाई और कल एक्सक्लूसिव हमने आपको 32 मैसेजेस जो उस ग्रुप में एक्सचेंज हुए थे वो दिखाए थे। दीपिका कबूल कर रही हैं कि वो चैट उन्हीं का है, उस ग्रुप में वो थी, लेकिन क्या उसमें ड्रग्स की बात भी उन्होंने की, इस बात से वो इनकार करती हैं। दीपिका अब रवाना हो चुकी हैं एनसीबी के गेस्ट हाउस से, जहां उनसे लगभग 5.5 घंटा पूछताछ चली और उनके मैनेजर करिश्मा उनसे भी लंबी पूछताछ चली लगातार दूसरे दिन, और दोनों का आमना सामना भी कराया गया क्योंकि उस ग्रुप चैट में दोनों ही हैं। और दीपिका पर आरोप है कि उन्होंने करिश्मा से ड्रग्स की डिमांड की। अभय पराशर इस खबर पर आपको और अपडेट करेंगे। अभय, 5.5 घंटे की पूछताछ क्या बड़ी बातें रही? देखिए, 5.5 घंटे पूछताछ की गई जिसमें दीपिका पादुकोण से अलग से भी पूछताछ की करीब 2.5 घंटे, और उसके बाद जो करिश्मा है जो उनकी मैनेजर हैं जिनके साथ ड्रग चैट निकलकर सामने आई थी उन्हें साथ में बैठाकर कन्फ्रंट किया गया इसी एनसीबी के दफ्तर में। अब से मात्र 2 से 3 मिनट पहले करिश्मा यहां से बाहर निकली और करिश्मा के बाद दीपिका पादुकोण से भी आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। आज उन्हें यहां से जाने दिया गया है। कई अहम बातें इसमें निकलकर सामने आई हैं सौरभ। पहली तो बात ये कि दीपिका पादुकोण ने ये माना कि ये उनकी चैट है, ये उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, ये उन्होंने बात मानी। करिश्मा इस बात का पहले ही खुलासा कर चुकी थी कि इसकी एडमिन दीपिका पादुकोण है, लेकिन अभी तक की जो हमें जानकारी मिली है, हालांकि अब ये पूछताछ का जो सिलसिला है खत्म हुआ है, अब सूत्रों से और जानकारी जो है वो निकलकर सामने आएगी, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक जब हैश को लेकर और किसी तरह के ड्रग्स को लेकर बात की गई। अबे मैं आता हूं आपके पास, एक बार कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, दिनेश बोरा के पास हम चलेंगे। दिनेश बताइए, यहां पे गाड़ी लगी, कॉन्वॉय निकलने वाली, कॉन्वॉय निकल केपीएस, देखिए केपीएस मल्होत्रा जो है वो निकल चुके हैं यहाँ से, साथ ही में जो दीपिका पादुकोण की गाड़ी। बता तो रहा है दिनेश, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो बताइए इस वक्त वहां क्या हो रहा है? दीपिका निकल चुकी हैं गेस्ट हाउस से, पादुकोण जो है वो उनकी गाड़ी में बैठकर निकल चुके और यहाँ पर उनके जो अधिकारी है दूसरे वो भी निकल चुके, तो दीपिका निकल चुकी है और यहाँ से देखिए ये यहाँ पे अधिकारी ये जा रहे हैं जहाँ पर शारा और श्रद्धा की इंक्वायरी करती। सर आपसे कहना चाहिए सर, आज क्या क्या कहा केपीएस सर, केपीएस सर, केपीएस सर, आज क्या क्या? देखिए यहाँ पर जो अधिकारी है वो अब जा रहे हैं सारा और श्रद्धा की जहाँ पर पूछताछ हो रही है, एनसीबी के जो मुंबई की दफ्तर है वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण जो है वो निकल चुकी है सेकंड राउंड की पूछताछ होगी, वहाँ पर श्रद्धा कपूर है उनसे पूछताछ करना बाकी था, इसके पहले जो है केपीएस मल्होत्रा वो पूछताछ कर चुके हैं, लेकिन अब भी कई सारी जानकारी जो है वो श्रद्धा कपूर ने नहीं दी थी सुशांत से, खास तौर पर जिस तरह से रिया ने आरोप लगाया था कि छिछोरे की जो पार्टी हुई थी वहाँ पर जो है ड्रग्स का सेवन किया गया था, तो क्या सच में जो है श्रद्धा कपूर ड्रग्स का सेवन करती थी, जो आरोप लगे उन पर क्या कहना है? एक और अहम चीज़ सारा को लेकर जो आरोप लगे कि वो पावना के डैम पर जाती थी वहाँ पर ड्रग्स का सेवन होता था, तो उस आरोपों को लेकर भी जो है पूछताछ करना चाहती है। अब तक जो मुंबई की टीम थी वो पूछताछ करती है, लेकिन अब अहम चीज़ होगा कि जब दिल्ली एसआईटी की टीम जो है ये इन दोनों अभिनेत्रियों से सेकेंड राउंड की पूछताछ करेगी, कुछ मिनटों की पूछताछ जो है वो ज़रूर की गई थी, इसके पहले कुछ समय के लिए केपीएस वहाँ पर गए थे, लेकिन अब दीपिका पादुकोण जब इस दफ्तर से निकली है तब दूसरे राउंड की पूछताछ जब होगी, कई सारी जानकारियां जो है अब तक नहीं मिल पाई है, खास तौर पर सुशांत से जिंदगी से जुड़ी जो खास तौर पे जो वो कथित रूप से ड्रग्स का जो एंगल आ रहा है उसकी बारे में कई सारी जानकारियां सारा के पास हो सकती है ऐसा एनसीबी को लगता है। और जिस तरह से रिया भी कह रही थी कि उनके ज़िंदगी में आने के पहले जो है सारा के साथ केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत जो है वो ड्रग्स का कथित रूप से सेवन करते थे, तो ये जो आरोप है उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। और जिस तरह से पेडलर्स ने आरोप लगाया है कि श्रद्धा कपूर को जो है वो ड्रग्स अप्लाई करते थे, तो इस आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई, क्या सच में जो है श्रद्धा जो है पेडलर्स के संपर्क में थी, क्या सच में किस तरह से उन्हें ड्रग्स जो है मुहैया कराया था, कई सारे सवाल है। सुबह से जो पूछताछ चल रही है उसमें कई सारी जानकारी जो है वो अब तक नहीं दी गई है, और उन्हीं जानकारियों को निकालने के लिए जो है कोशिश एनसीबी करेगी। अब एसआईटी की टीम गई है प्रोफेशनली, देखिए मैं बता दूं दीपिका पादुकोण और खास तौर पे जया शाह से जो पूछताछ हुई थी, श्रद्धा कपूर और जया शाह का एक
चैट सामने आया था जिसमें ड्रग्स का जिक्र हो रहा था, और इस जया शाह से जो पूछताछ हुई है उनके बयानों की कॉपी जो है श्रद्धा कपूर को दिखाई जाएगी, और श्रद्धा कपूर से पूछा जाएगा जो जो आरोप लग रहे हैं उनका उस पर उनका क्या कहना है। खासतौर पर दो अहम चीज़, एक रिया चक्रवर्ती का बयान, दूसरा जो पेडलर का दावा है कि अगर इन दावों में ज़रा भी सच्चाई है तो वो पेडलर कौन है, क्या अगर सच में अगर ड्रग्स मुहैया कराया गया तो उसका मोड क्या था, फाइनेंशियल मोड क्या था, ट्रांजैक्शन क्या कभी हुए थे नहीं हुए थे, कई सारे पहलू है जिसको जवाब जाना चाहेगी। और आज का जो आज की पूछताछ यहाँ से दीपिका का हो गई, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर दीपिका को दोबारा बुलाया जा सकता है। वही दूसरी तरफ 27A लगा है 16/20 केस में, और इसी केस में जो है श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। 27A बहुत अहम धारा है। देखिए, हम बार बार इसलिए कह रहे क्योंकि रिया चक्रवर्ती भी शुरुआत में दावा कर रही थी कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती, ठीक इसी तरह का दावा श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने किया, लेकिन जैसे ही वो NCB के दफ्तर में आई, पूछताछ शुरू हुई, तब उनकी गिरफ्तारी हो गई। और 16/20 केस में NCB के पास कई सारे पुख्ता सबूत है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर, ड्रग्स सप्लाई को लेकर, ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर। और दो जो बड़े आरोपी हैं खासतौर पर अंकुश अरनेजा, उसने भी कहा है कि यहाँ पर जो बड़ी अभिनेत्रियाँ हैं उन्हें ड्रग्स सप्लाई किया गया, तो अगर सच में ये आरोप सही है तो उसका मोड क्या। देखिए, सिर्फ और सिर्फ चैट के आधार पर जो है कार्रवाई नहीं होगी, उसे इन चैट को चैट की वजह से जो आरोप लगे उन्हें कोराबरेट करने के लिए एविडेंस जो है वो भी हाथ लगे जी। चलिए, तो दो बड़ी खबरें इस वक्त की। दीपिका पादुकोण से 5.5 घंटे लंबी चली पूछताछ अब खत्म हो चुकी है, वो NCB के गेस्ट हाउस से रवाना हो चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस काले रंग की गाड़ी में हैं दीपिका पादुकोण, और यहां से निकलकर शायद वो अपने घर जा रही हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो दिल्ली से गए मुख्य जांच अधिकारी हैं इस पूरे केस के, KPS मल्होत्रा जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं NCB के, वो पूछताछ कर रहे थे दीपिका और करिश्मा प्रकाश से, वो भी अब NCB गेस्ट हाउस से रवाना हो गए हैं, और वो जा रहे हैं NCB के रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, जहां पर इस वक्त दो और एक्ट्रेसेस श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ चल रही है। हम चलते हैं इस वक्त, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता है। नम्रता, दीपिका अब यहां से निकली तकरीबन 10 मिनट पहले, और क्या लग रहा है अपने घर जा रही हैं वापस? जी बिल्कुल, दीपिका पादुकोण रास्ते में ही है, और जिस तरफ आगे वो बढ़ रही हैं वो उनके घर की तरफ का रास्ता है। दीपिका पादुकोण तकरीबन 5 से 6 मिनट पहले निकली हैं, गिरगांव चौपाटी है उस रास्ते में पहुंचे, और ये रास्ता उनके घर की तरफ ही जाता है। सुबह हालांकि दीपिका पादुकोण अपने घर से नहीं निकली थी, घर से निकलकर वो गेस्ट हाउस नहीं पहुंची थी पूछताछ के लिए, लेकिन अभी फिलहाल दीपिका पादुकोण सीधे तौर पर अपने घर की तरफ ही जा रही हैं। और सुबह जैसे कि हमने देखा कि कोई सिक्योरिटी कुछ उस तरह की नहीं थी, लेकिन फिलहाल दीपिका पादुकोण जो हैं उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी मौजूद हैं। दीपिका पादुकोण घर की तरफ बढ़ रही हैं, और ये जो पूछताछ है उसके लिए दीपिका पादुकोण सुबह 10 बजने से पहले ही वहाँ पर पहुँच गई थी, 10 बजे उन्हें बुलाया गया था। काफ़ी सारी उम्मीदें की जा रही थी कि दीपिका अपने घर से ही निकलेंगी, उनके साथ रणवीर सिंह भी हो सकते हैं, जिस तरह की कई सारी बातें आ रही थी, लेकिन वैसा नज़र नहीं आया। दीपिका पादुकोण बाकायदा NCB गेस्ट हाउस तकरीबन 10 बजे के पहले पहुंची, घर से नहीं निकली, और ये काफ़ी लंबी पूछताछ चली है। और इस पूछताछ के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक चैट हैं, जो व्हाट्सएप चैट हैं, उसको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। करिश्मा जो कि दीपिका के मैनेजर रह चुकी हैं, उनको भी सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। और ये जो पूछताछ है काफ़ी अहम रही है, क्योंकि जो चैट हमने आपको दिखाया था, चैट में बाकायदा माल है क्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो दीपिका पादुकोण कर रही थी, तो उसको लेकर भी कई सारे सवाल पूछे गए। हालांकि दीपिका से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है, उन्होंने कई सारे सवालों पर चुप्पी साध दी है, या फिर एक जो फेस पर एक डल जिस तरह फेस हो जाता है, नरमी हो जाती है, उस तरह का रिएक्शन दिया, किसी भी चीज को खुलकर जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो अभी दीपिका पादुकोण खुलकर स्वीकार नहीं कर रही है, या उनके वो ठीक ठीक जवाब नहीं दे रही है। हमारे सहयोगी जो है जो लगातार अपने सोर्सेस के टच में है वो ये बात बता रहे हैं। अब ये बताइएगा दो बातें, एक तो वो ग्रुप चैट, दीपिका पादुकोण को उस ग्रुप का एडमिन बताया जा रहा था, तो क्या दीपिका ने इस बात को माना कि हाँ वो ग्रुप उनका है, उस ग्रुप में जो बात हो रही है वो उन्होंने लिखी है, और उस ग्रुप के अंदर जब हैश और वीड का जिक्र आता है तो क्या उसको कबूल किया है दीपिका पादुकोण ने, या उससे बच रही हैं?
देखिए जो हमारे सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि इस ड्रग्स चैट से जुड़ी अहम जानकारियां आज की कन्फ्रंटेशन में दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी को मिल गई हैं, और इस बात को माना है उन्होंने कि ये चैट उनकी है, दीपिका पादुकोण ने, और साथ में ये व्हाट्सएप ग्रुप उनका है जिसकी वो एडमिन है। क्या वो ड्रग्स लेती हैं, क्या वो हैश का क्या मतलब है जो उन्होंने हैश अगर उन्होंने मंगाया है, हैश जो है एक फाइन क्वालिटी का गांजा होता है, लेकिन इस क्या वो कंज्यूम करती हैं, लेती हैं, इस बारे में जो जानकारियां हैं वो एनसीबी को बताई हैं, लेकिन एनसीबी अभी उन बातों को शेयर नहीं कर रहा है। मैं आपसे सीधे सीधे ये पूछ रहा हूं, अभय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो, क्योंकि देखिए हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, हमारे रिपोर्टर्स बड़ी मेहनत करके अपने सोर्सेस से खबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी बातें एक अभी क्योंकि पूछताछ जस्ट खत्म हुई है तो जरूरी नहीं है कि तुरंत सारी बातें उनको पता चल जाए। मेरा सवाल अभय ये है, उस ग्रुप चैट में दीपिका ने कथित तौर पर यह लिखा कि हैश है ना, हैश चाहिए, वीड नहीं, तो यह बात लिखना क्या इसको कबूल किया है उन्होंने? देखिए इस बारे में सवाल पूछे गए और जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने यह माना है कि यह उनकी चैट है, लेकिन जो सूत्र है उनका यह भी कहना है कि इसमें घुमा फिराकर जवाब दिया है कि उनकी नजर में जो हमारे सूत्र हैं मैं उनके हिसाब से जानकारी बता रहा हूं कि उनकी नजर में नॉर्मल स्मोकिंग को हैश बोलते हैं, ऐसी बात अब तक निकलकर सामने आई है। लेकिन कुछ और कई अहम बातें, क्योंकि आगे वीड का जिक्र था कि वीड तो नहीं है, इसका मतलब यही है कि गुमराह किया जा रहा था जो SIT की टीम है उनको, तो कई अहम बातें जब कन्फ्रंट कराया गया तो दीपिका पादुकोण ने बताई हैं इस ड्रग्स एक्ट से जुड़ी हुई, लेकिन अभी क्योंकि पूछताछ खत्म हुई है और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं KPS मल्होत्रा वो अपनी टीम के साथ सारा अली खान और श्रद्धा को जो है वेरीफाई करने गए हैं, उन्हें एग्जामिन करने गए हैं क्योंकि उनके बारे में भी कड़े अहम सबूत हैं दिल्ली वाले केस में भी, लेकिन अभी जो पूछताछ दीपिका पादुकोण से हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है सौरभ बहुत हाई प्रोफाइल मामला ही अभी हो गया है, एक बहुत सुपर डुपर हिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण, तो उनका ड्रग्स चैट से कनेक्शन की आज जो पूछताछ हुई है उससे पहले दिल्ली में जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के DG हैं उन्हें ब्रीफ करेंगे KPS मल्होत्रा, उन्हें ब्रीफ करेंगे कि आज दीपिका पादुकोण ने क्या कुछ बताया है, उसके बाद जो हमारे सूत्र हैं उनसे जैसे जैसे जो जानकारी ऑथेंटिक जानकारी जो हमें मिलेगी वो हम लगातार बताते रहेंगे। चलिए तो अभी तक की बातचीत से जो पता चला है वो ये कि दीपिका पादुकोण ने इस बात को स्वीकार किया कि वो ग्रुप चैट उनकी है, उस ग्रुप में जो बातें हो रही हैं वो जानती हैं क्योंकि वो उस ग्रुप की मेंबर हैं, ये बात उन्होंने मानी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन वो हैं, ये बातें साफ हो गई। अब उसके अंदर इसका मतलब जो बातें लिखी गई हैं वो भी दीपिका ने लिखी हैं, लेकिन क्या दीपिका इस बात को कबूल कर रही हैं कि जिसे वो हैश कह रही हैं वो हैशिश या हैश जिसे हम ड्रग्स कहते हैं वो वही हैश है? अभी जो अभय बता रहे हैं वो ये कि इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश हो रही है कि आम बोलचाल में हैश का मतलब सिगरेट है, हम नॉर्मल स्मोकिंग की बात कर रहे थे, शायद इस तरीके से इस मामले से वो निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक बार जब वो ये कबूल कर लेती हैं राजेश, एक बार अगर वो दीपिका ने कबूल किया कि ये व्हाट्सएप चैट उनका है तो उस व्हाट्सएप चैट के अंदर जो बातें हुई हैं उनसे खुद को अलग करने की और कोई गुंजाइश बचेगी नहीं? मुझसे पूछ रहे हैं सौरभ जी, राजेश बिल्कुल, देखिए चैट की बात अगर कबूल करती हैं वो तो इतना तो बात साफ है कि उन्होंने ही लिखा है, क्योंकि चैट में जो लिखा गया है या माल के बारे में हो या हैश के बारे में हो या फिर वेंसडे की जो पार्टी के बारे में हो या फिर कोको पब के बाद जाने के बारे में हो, वो लिखा तो दीपिका नहीं है। अगर चैट की बात कबूल करती हैं तो उसके बाद आगे के जो सवालात हुए हैं उनके जवाब देने उनको मुश्किल ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि हैश आखिर मंगवाया है तो किसके लिए मंगवाया है, माल की बात वो कर रही हैं तो किसके लिए कर रही हैं, और वीड उन्हें नहीं चाहिए और हैश चाहिए इसके पीछे की वजह क्या, ये भी उनसे पूछा गया। इन सारे सवालों में वो ज़रूर फंसी होंगी, क्या जवाब दिया वो थोड़े देर में ज़रूर पता चलेगा जब ऑफिसर्स जो हैं वो पूरी तरीके से फ्री होंगे, तो लेकिन इन सवालों में ज़रूर वो फंसी होंगी, और चैट की बात मान लेना ही उनके लिए एक मुसीबत का सबब है, मुसीबत में उसमें इसी वजह से वो फंस जाएंगी। साथ ही ऐसे और कितने चैट्स होंगे सौरभ, ये चैट पब्लिक डोमेन में है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन एनसीबी सिर्फ एक चैट के बिना पर उनको नहीं बुलाएगी, करिश्मा का बयान तो है ही दीपिका के खिलाफ, साथ ही कई और ऐसे चैट्स होंगे, कई और ऐसे सबूत होंगे जिसके बारे में दीपिका से पूछा गया होगा, और उन सब का जवाब देने में दीपिका के पसीने जरूर छूटे होंगे। क्या कंक्लूजन निकालती है एनसीबी उनके जवाबों से वो आने वाले समय में पता चलेगा, और क्या फिर से दीपिका को आना होगा ये भी थोड़ी देर में पता चलेगा सौरभ। ये एक अहम सवाल है, इसका जवाब हमारे 3 रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, आप में से कोई भी दे सकता है। क्या इस बात की कोई खबर है,
इस वक्त कि आज के बाद भी दोबारा दीपिका पादुकोण को बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए? दिनेश जी बिल्कुल, देखिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब भी कई सारी जानकारियां चाहिए थी एनसीबी को और आज की जो पूछताछ हुई, जैसे हम लगातार बता रहे कि कई सारी जानकारियों को शेयर नहीं किया, गोलमोल जवाब दिए गए हैं। खासतौर पर ड्रग्स का जिक्र आता था तब वहां पर जवाब देने से लगातार बचती हुई नजर आ रही थी दीपिका पादुकोण। और यही वजह है कि एनसीबी ने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें बुलाया जा सकता है। इसके पीछे एक और वजह है क्योंकि जिस ग्रुप चैट के आधार पर ये समन इशू किया गया था, करिश्मा के साथ उन्हें कन्फ्रंट कर दिया गया, लेकिन उसी ग्रुप में जया शाह भी थी। जया शाह के साथ कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि जया शाह पर ही आरोप लग रहा है कि वही जो है बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उन्हें कथित रूप से जो है ड्रग्स सप्लाई करती थी, तो उनके साथ कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है। लेकिन कब बुलाना है, किस समय बुलाना है और क्या क्या मुद्दों पर जाँच करनी है, इसको लेकर अभी फिलहाल जो है एनसीबी के अधिकारी मंथन कर रहे। आज जो जवाब दिया गया, कल जो करिश्मा ने जवाब दिया और आज दीपिका ने जो जवाब दिया और उसके बाद जो कन्फ्रंटेशन के दौरान जो जवाब मिला, उन जवाबों को बैठ के उन्हें वापस से जो है उनका एनालिसिस किया जाएगा। कई सारी त्रुटियां इन कन्फ्रंटेशन के दौरान निकल कर आई थी, कई सारे पूरे लिंक जो है खासतौर पर ड्रग्स चैट के दौरान और उसके बाद जो क्या जो कुछ हुआ था, क्योंकि वहाँ पर कोको बार का जिक्र हुआ था कि वहाँ पर कोको बार में लाके आप डिलीवर करिए, तो सिर्फ चैट में भली बातचीत होगी लेकिन जब तक ये चैट ऑफेंस में कन्वर्ट ना हो, जब तक ड्रग्स डिलीवर नहीं हुआ हो, तब तक इस चैट के कोई मायने नहीं रहते कानून के लिहाज से। तो ऐसे में चैट भले ही मिल गया हो लेकिन क्या सच में चैट के बाद जो भी बातचीत हुई थी कि रात के वक्त जो है कोको बार में आप आके डिलीवर करिए, तो वहाँ पे क्या सच में आया था? एक और अहम चीज़, अमित नाम के जिक्र व्यक्ति का जिक्र आया था, तो अगर डिलीवर हुआ होगा तो अमित भी आया होगा चैट में, उसका भी जिक्र हो रहा है, तो अमित से भी कन्फ्रंट कराना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि डिलीवरी बॉय कथित रूप से वो था। तो ये कुछ दो अहम किरदार बाकी है, एक तो जया शाह, दूसरा ये जो भी अमित है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने शायद डिलीवर किया होगा, तो इन दोनों से भी कन्फ्रंट कराना बाकी है। देखना ये है कि अब एनसीबी के अधिकारियों के विवेक पर है कि वो कब बुलाना चाहते हैं, कौन से समय बुलाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल क्लीन चिट नहीं मिली है दीपिका पादुकोण। अब एक सवाल ये भी है कि आज जो ये 5.5 घंटे लंबी पूछताछ चली है, बहुत लंबा वक्त होता है और एक साथ 5.5 घंटे किसी से लगातार सवाल जवाब किए जाएं और वो भी आपके सामने जांच अधिकारी हों और आपके ऊपर आरोप इतना संगीन हो, ड्रग्स को लेकर के आपके ऊपर इल्जाम लगा हो, तो बड़ा मुश्किल में पाता है अपने आप को कोई भी व्यक्ति। अब है इन 5.5 घंटे, ये 5.5 घंटे दीपिका के लिए कैसे बीते, उन्होंने कैसे खुद को हैंडल किया, जब सवाल ज्यादा कठिन हुए या करिश्मा से उनका आमना सामना कराया गया तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या वो कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही थी या सवालों से बच रही थी, इवेसिव थी? देखिए बिल्कुल, जो हमारे एनसीबी के सूत्र हैं, जब ये पूछताछ चल रही थी उस दौरान हमने बात की इसी को लेकर कि आखिरकार दीपिका पादुकोण का रिएक्शन क्या था जब उनसे पूछताछ की गई। जब दीपिका पादुकोण करीब 9:43 पर यहाँ पर पहुँच गई थी सौरभ, और 9:00 और पूछताछ का समय जो था वो 10:00 का था, क्योंकि सूत्रों का कहना है दीपिका पादुकोण सुबह 7:00 ही पास के एक किसी बड़े होटल में पहुँच गई थी जहाँ पर वो फ्रेश होकर यहाँ पर 9:43 पर आई, 10:00 उनसे पूछताछ शुरू हुई। जब वो यहाँ पर पहुँची पहले उन्हें आराम से बैठाया गया, पहले इंटरोगेशन रूम में उन्हें नहीं ले जाया गया, उन्हें चाय दी गई और उन्होंने चाय पी। इसके बाद जो खबर निकलकर जो सामने आ रही है कि जब इनसे अकेले पूछताछ की गई 2.5 घंटे सौरभ, तो बहुत ज्यादा ये पैनिक में नहीं थी। जो हमारे सूत्रों का कहना है, उस वक्त इन्हें चैट दिखाया गया, इनसे पूछा गया इसके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, अपना बयान आप पेपर पर लिख दीजिए, अपना बयान उन्होंने लिखा कि उस चैट के बारे में वो क्या जानती है, जो कि सोर्सेस का कहना है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था ये चैट उनका है, लेकिन जो वो पूरा ड्रग का वो जो चैट है जिसके अंदर माल है क्या, हैश है क्या, ये जो तमाम बातें जो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा वो जवाब नहीं दे रही थी। जब उनसे सवाल पूछे गए रिटन स्टेटमेंट के अलावा, जब उनसे सवाल पूछे गए वो जवाब नहीं दे रही थी। यहां से दीपिका पादुकोण पैनिक होनी शुरू हुई क्योंकि लगातार जैसे हम ये बता रहे हैं कि जो हमारी एंटरटेनमेंट की एडिटर है ज्वेता, उनसे भी मैंने इस बारे में बात की थी, तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि दीपिका पादुकोण का नेचर ऐसा है, तमाम कुछ ऐसे इस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, अगर उनसे कुछ बहुत स्ट्रांग सवाल पूछ लिए जाते हैं तो परेशान हो जाती हैं, पैनिक में आ जाती हैं, और आज उनका सामना हुआ एक ड्रग केस में, ड्रग चैट में, जिसका जो जया शाह की जो फोन जब रिट्रीव किया गया उनकी चैट, जिसमें दीपिका पादुकोण और ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई, और इस दफ्तर में एक बड़ी अभिनेत्री जो कि बहुत फेमस अभिनेत्री है, काफी नाम है, तमाम उनकी सुपर डुपर हिट फिल्में हैं, उनको अगर ड्रग केस के अंदर एनसीबी ऑफिसर्स का सामना करना पड़े जहां पर उनसे तमाम कठिन सवाल पूछे जाएं, उन्हें उनकी चैट दिखाई जाए कि ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप था, इसकी आप एडमिन थी और इसमें हैश माल है क्या, वीड, इस तरह की तमाम बातें हो रही हो, तो जाहिर सी बात है इस तरह का कोई शख्स जिसकी बहुत पब्लिसिटी हो, लोग उसके फैन हो, उसका पैनिक होना स्वाभाविक है, और यही हुआ खास तौर पर तब
जब इस ड्रग चैट को लेकर उनसे सवाल किए गए और उनका सामना करवाया गया उनकी मैनेजर करिश्मा से, क्योंकि करिश्मा भी उन्हें ड्रग अरेंज करने की बात कह रही थी, हैश अरेंज करने की बात कह रही थी किसी पेडलर, वो पेडलर हो सकता है अमित जिसका जिक्र इस ड्रग चैट में किया गया। तो आज पैनिक में बहुत ज्यादा थी दीपिका पादुकोण, ये साफ तौर पर हमारे सूत्रों ने बताया। चलिए ठीक है, तो दीपिका पादुकोण से तो आज पहले दिन की पूछताछ खत्म हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एनसीबी दोबारा नहीं बुला सकती। अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि पूछताछ हमेशा के लिए पूरी हो गई है। ये हो सकता है कि दीपिका को दोबारा भी समन भेज करके बुलाया जाए, यानी बॉलीवुड के लिए मुसीबत अभी पूरी तरीके से नहीं टली है। बल्कि एनसीबी के जोनल ऑफिस में इस वक्त दो बड़ी हीरोइंस लगातार सवालों का सामना कर रही है एनसीबी का। वहां इस वक्त क्या हो रहा है, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान इनके साथ किस कैसे कैसे सवाल इनके सामने रखे जा रहे हैं और वो कैसे इनका सामना कर रही हैं, आपको वहां लेकर चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।